मुझे लगता है कुछ उदासी सी छा रही है, जो बार बार वक्ताओं द्वारा कहा जा रहा है, अरे हम एक नहीं है, भीड़ नहीं है। पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो सबसे पहले एक जोरदार तालियां अपने लिए बजा दो, जोरदार तालियां। मैं सबसे पहले एक विशाल यज्ञ भगवान को, जो यहाँ यज्ञ हुआ, उनको नमन करता हूँ। दुआ का कार्यक्रम हुआ, बहुत पुण्य का काम हुआ, इसके लिए मैं आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ बड़े भाई रविशंकर जी के लिए कि मैं सुहाग नगरी से चलकर और इस पुनीत कार्य के लिए यहाँ पर पीतल की नगरी में आया। एक जोरदार तालियां मेरे बड़े भाई जी के लिए। बाकी मेरे बड़े भाई त्रिपाठी जी, जो कि बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, आप सभी देखते रहते हैं उनको। मातृशक्ति जो कि यहाँ बैठी हुई है, इन्होंने आपको आपके अंदर जोश भरने का कार्य किया। प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ से डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी, कई बार लखनऊ में धरने दे चुके, अभी सेबी का घेराव किया, हिलाकर रख दिया हम लोगों ने। ये तब ऑनलाइन जो आपके सामने पोर्टल है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के आप सबके मिलाकर जो आंदोलन हो रहे हैं, ये उनका परिणाम है या नहीं, है या नहीं? अरे सब कुछ चल गया, अरे सब कुछ चल गया तो बचा क्या है, और हम बच गए तो चला क्या है? तो हम जिंदा है या नहीं, अभी है या नहीं? मुझे नहीं लग रहा आप लोगों है क्या नहीं जिंदा। बस यही तो जोश चाहिए। रविशंकर जी के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा, जो चार साल से संघर्ष कर रहे हैं, और कैसे हैं ये कि मिटा दे अपनी अस्थि को, मिटा दे अपनी अस्थि को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी अस्थि को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि जैसे ताना छाक में मिलकर बोले गुलजार हो जाए, बोले गुलजार हो जाए। ऐसे रविशंकर जी आपके लिए दिन और रात एक करे हुए हैं। मुकदमे तक सही सीएम को रोका, तो क्या हमें ऐसे संघर्षशील साथी का साथ नहीं देना चाहिए? साथियों देना चाहिए या नहीं? आज आगे बताओ, देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए। हम बहुत कुछ बदल सकते हैं साथियों, जैसा कि अभी विकास त्रिपाठी ने, मैं तू दो घंटे लेट थी, मैं रात को आया। मैं भी अपनी व्यथा बताना चाहता हूँ। मेरे साथी आए हैं कि 9:15 बजे वाली गाड़ी 1:30 बजे आई, मैं 1:30 बजे भी ऑनलाइन था, रात में सो नहीं पाया। यहाँ पर आके मेरी बहुत भरी सोच रहा था मैं कैसे बोलूंगा, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे हिम्मत आ गई और बोलने का कोई जज्बा कर लिया। समय का भी बहुत कम है, इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि हम सब कुछ बदल सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, जब गांधी जी हुआ करते थे, वो आंदोलन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, तो ब्रिटिश हुकूमत हिल जाती थी। लेकिन आज ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा नायक सरकारें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान सभी को बराबर का हक अपनी बात करने के लिए कह देता है। हमने भूख हड़ताल की 4 साल का पूरा संघर्ष आपके सामने, किसी ने नहीं सुनी आपकी, बताइए सुनी सुनी? सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में दिया है, तो असेंबली का दिया है, आपके वोट का दिया है, हाँ या ना बोलिए? जरा हाथ उठाइए, 1 महीने में किसके कनस्तर खाली हो जाएंगे? पहले हाथ नीचे कर लो, 1 महीने में किसके कनस्तर खाली हो जाएंगे वो हाथ उठा दे पहले आप। 1 महीने में किसके घर का कनस्तर खाली हो जाएगा वो हाथ उठा दे जरा। नहीं होगा किसी का, नहीं होगा ना? आपका हो जाएगा कनस्तर खाली 1 महीने में? नहीं होगा ना? कितने लोग मेरा वास्ते हाथ खड़ा करें, कितने लोग मेरा वास्ते है? आज सब मेरा वास्ते है, 1 महीना घर छोड़ दे रहे गली गली घूमने के लिए, बताइए। अभी विकास त्रिपाठी जी बोल गए उनके लिए वोट देना, अभी तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। आप चाहते हो कि आपके हक के लिए रविशंकर जी को मैदान में उतारा जाए अपनी संख्या दिखाने के लिए, हाँ या ना बोलिए? पैसा दिलाने के लिए, आपका हाथ दिलाने के लिए, आपका मान और सम्मान दिलाने के लिए, क्या चुनावी लड़ू में उतारा जाए? यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक आवाज में बोलिए, हाथ खड़ा करके, हाँ या ना? खड़ा किया जाए, खड़ा किया जाए, पीछे तो नहीं हटे आ गए, पीछे तो नहीं हटे आ गए, तो जोरदार तालियां बजा दो माननीय रविशंकर जी के लिए। अच्छा, मेरे को तो आप कहीं दिख भी नहीं रहे हो। बहने भाई की आवाज आई है कि बहने चमक आ रही है, ये तो एक बार जोर से हाथ उठा दीजिए। विकास नगर में खड़े हो ना? विकास नगर में दोनों हाथ उठा दीजिए,
लो साहब। दूसरा मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी बात है, ये लड़ाई आप जिंदा रखना चाहते हैं। देखिए, किसी ने भी वो बात नहीं की जो मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आपको पता होने। आगे कितने लोग एजेंट है, हाथ खड़ा कर एजेंट कितने हैं यहाँ सर, एजेंट है। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत कड़ी बात कहता हूँ। आपके गले का फंदा तैयार हो चुका है 2019 चुनाव के बाद। हेलो, बड़े नाम का गले का फंदा बनाया है सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने। रामलीला ग्राउंड भेजना है इनको। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2018, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? एक व्यक्ति जानते हैं, इसलिए अगर जान रहे होते तो पंडाल बना होता। सब कैसे भी करके आपने उसमें कंपनी के प्रमोटर और कंपनी के एजेंट को दोषी बनाया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमे होंगे, आपकी संपत्ति बेचकर ग्राहक का पैसा दिया जाएगा। कितने लोग तैयार है अपनी संपत्ति बेचकर देने को? और जब भी कोई बिल पारित होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से होता है या नहीं? होता है या नहीं? अभी भाई ने बताया त्रिपाठी कि हमने सबके दरवाजे खटे डालिए। सही बात है, हमने सबके खटे डाले या नहीं? लेकिन किसी ने सुनी? तो एक मौका क्या, हम अपने परिवार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने बेटे की शिक्षा के लिए, बेटी की शादी के लिए, अपने वोट का प्रयोग अपने हक के लिए नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? नहीं एक महीना लगा सकते? ज्यादा नहीं कहूंगा इसके आगे, आप सब समझदार हो। आज लोकतंत्र में क्या हो रहा है, देश का क्या माहौल है, इस पर बस छोटी सी चार लाइन कहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। किन नफरतों का असर देखो, किन नफरतों का असर देखो, किन नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। किन नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, न जाने को गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। ये सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान रह गए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान रह गए कि न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया। लेकिन आज हमारे बड़े भाई रविशंकर जी ने यहाँ जो कौमी एकता का प्रदर्शन किया और दिखाया, कल के अखबारों में आ जाएगा और इनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी सरकारों के लिए। ये पेड़ ये पत्ते ये शाखे भी परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखे भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। न मस्जिद को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। अरे जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ दो निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है, मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूं मेरे शहर में दंगा रहने दो, मैं अमन पसंद हूं मेरे शहर में दंगा रहने दो, मत बांटो लाल हरे में मेरी छत पर तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। मैं आज राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट अमितगर भारतीय लोक सेवा दल की तरफ से आप सबके समर्थन से बड़े भाई रविशंकर जी को मुरादाबाद से आपके अखे लिए यहाँ पर चुनावी रणभूमि के लिए खड़ा करने का ऐलान करके जा रहा हूँ। हमारी लाज रखनी आपका काम है। हमारी दीदी प्रीति पांडे जी जो कि सीतापुर से आपके अखे ले रही है, ये जोखिम उठाने का काम है, हम उठाने को तैयार है। अगर आप साथ नहीं देंगे तो आपकी मर्जी होगी, 2 महीने के बाद कोई नहीं बचेगा आपकी लड़ाई के लिए। जय हिंद जय भारत। आज हमने ये निर्णय लिया कि हम अल्लाह भगवान सबको मना के और हमारी जो प्रधानमंत्री है इनकी सद्बुद्धि बदले ताकि हमारा पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। इन गरीबों का जो काम रुके हुए हैं, बेटियों की शादी है, परिवार में जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही और आपस में एजेंट और खातेदार में मतभेद हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए, इन्हें समझाने के लिए और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको बताने के लिए कि भाई अब हमारे पास आखिरी निर्णय यही था कि जो यज्ञ कराना था आपकी सद्बुद्धि लौटे और ये हमारे गरीबों का पैसा वापस लौटे। ये अभी आचार संहिता चल रही, चुनाव आचार संहिता, इसको अभी कराने का क्या उद्देश्य था यज्ञ कराने का? अभी तो आपको कोई भी ना ही सरकार के पास नहीं जाना, क्या कौन कार्यक्रम हमारा जो है
ये 2 महीने से कार्यक्रम पहले ही फिक्स हो चुका था इस वजह से कि आचार संहिता लगने से पहले हम अपनी आवाज़ जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकें। तो आप ऐसी हमें तो पैसा चाहिए, आने वाली सरकार से क्या मतलब है? जो अब जा रही है, जो अब वर्तमान में सरकार थी उसने हमारा पैसा नहीं दिया, और जो पहले थी उसने पैसा बंद करा दिया कंपनी को। हमने गलती कौन सी की थी? आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले चुनाव में किसी पार्टी के लिए, किसके लिए क्या? हम किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करेंगे। जो हमारा पैसा दिलवाएगा, जो हमारे बीच में आएगा, हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम एडवोकेट अमित गर्ग है और मैं भारतीय लोक सेवा दल से आया हुआ हूँ यहाँ पर इस विशाल यज्ञ और दुआ समारोह में। आज देश की जो मनोस्थिति हो चुकी है, राजनीतिक जो देश में दशा हो चुकी है उसमें जनता बिल्कुल सुखी नहीं है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हम लोग प्रधानमंत्री तक को प्रधान जी को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन संतुष्टि के लिए आगे क्या होगा, आज ये चुनाव आचार संहिता में देखिए चुनाव आचार संहिता जो लगी है वो 8 तारीख से लगी है और ये प्रस्तावित पहले से था, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में भी चुनाव आचार संहिता क्या होती है ये हम लोगों को भी नहीं पता। सही बात तो ये मैसेज का कोई हल तो नहीं, मैसेज का हल मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जितने भी लोग आए हैं आपकी समस्या का समाधान कोई कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। इसकी समस्या का समाधान सिर्फ निवेशक और एजेंट ही कर सकता है जब हम अपनी वोटों की संख्या अपने रूप में दिखा देते हैं। और आज मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ भारतीय लोक सेवा दल से और मैं यहाँ मुरादाबाद में आया हुआ हूँ और ये मेरे बड़े भाई, मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ की जनता से, यदि हमारा हल नहीं निकलता है इस महीने में तो हम इस चुनावी रणभूमि में अपने बड़े भाई जी को यहाँ से खड़ा करेंगे और अपने वोटों की संख्या पल्स निवेशकों की संख्या दिखाएंगे कि हमारी कितनी ताकत है। तो आपके राजनीतिक क्या आज चुनाव के लिए? ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक लोग हम बनाए गए हैं। हम राजनीतिक लोग नहीं थे, पहले भी राजनीतिक, आज भी नहीं है, लेकिन जब अब आप कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ना है, इसमें कोई गलत थोड़ी है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। आपके निवेशकों की जी कितनी संख्या होगी पूरे देश में? पूरे देश में 5,85,00,000 तो केवल एक कंपनी PSEL के हैं, बाकी की सहारा, कल्तरू, पिनकॉन, रोजबेली मिला लिए 10 करोड़ परिवार प्रभावित है इस देश के, और जिनका सारा पैसा इस सेबी के पास है जो कि गवर्नमेंट की एक संस्था है। तो आप पार्टी उतार पार्टी बनाकर उसका मतलब अपने प्रत्याशी उतारेंगे पल? जी बिल्कुल, पूरे देश में हमारे प्रत्याशी उतरेंगे और अपनी आवाज़ हम लोग उठाएंगे लोकतंत्र में, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जब जनता की नहीं सुनी जाती क्रांतिकारी आंदोलन करें। कहाँ से पार्टी बनाएंगे आप? हमारी पार्टी भारतीय लोक सेवा दल के नाम से बनी हुई है, जो 25 नवंबर को संसद मार्ग पर हम लोग उसका उद्बोधन करके आए थे 25 नवंबर को। Oh, my God.